नमस्कार, टीएफपी न्यूज में आपका स्वागत है। 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो कांग्रेस को 45% वोट हासिल हुए। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में ठीक यही आंकड़ा भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के पास आ गया, यानी उसे 45% मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया। 2014 के 44 सीटों के आंकड़े में सिर्फ 8% की बढ़ोतरी कर सकी कांग्रेस का वोट शेयर महज 19.5% रहा। राज्यों में भी उसका दायरा सिमटता गया है। आज देश में महज 6 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां उसकी सरकार है, इनमें भी 2 ऐसे हैं जहां जूनियर पार्टनर हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? इसका एक जवाब ये है कि बीते कुछ समय के दौरान कांग्रेस संगठन से लेकर मुद्दे खड़े करने तक हर मोर्चे पर भाजपा से पिछड़ती गई। अपने वर्चस्व वाले दिनों में उसके पास जम्मू कश्मीर से केरल और गुजरात से असम तक प्रभावशाली संगठन हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत से लेकर तमिलनाडु में सी राजगोपालचारी तक हर इलाके में पार्टी के पास कद्दावर और जमीनी नेता थे। आज कमोबेश यही बात भाजपा के बारे में कही जा सकती है। संगठनात्मक ढांचे और मजबूत कैडर के मोर्चे पर कांग्रेस उसके सामने कहीं नहीं ठहरती। जैसा कि अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर मोहम्मद अय्यूब अपने एक लेख में लिखते हैं, अपने पितृ संगठन आरएसएस की बदौलत भाजपा एक कैडर आधारित पार्टी है जिसके सदस्यों के भीतर संगठन के अनुशासन की भावना भरी हुई है। कांग्रेस के साथ स्थिति उलट है, जिसका अंदाजा हाल के सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रकरणों से भी लगता है। पार्टी के आलाकमान का रवैया देखो तो वहां अलग ही तानाशाही है, जिसमें साल भर पहले राहुल गांधी कहते हैं कि वो पार्टी अध्यक्ष के पद पर नहीं लौटेंगे और कांग्रेस के लोग उनसे पार्टी के राजनीतिक मसलों के लिए ना मिलें। फिर इसी साल प्रियंका गांधी कहती हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष परिवार से बाहर का होना चाहिए। सोनिया गांधी बीमार रहती हैं और खुद भी पार्टी अध्यक्ष बना रहना नहीं चाहती। पहले भी राहुल के पद त्याग के बाद सोनिया मान मनोबल के बाद पार्टी अध्यक्ष बनी थी। इस पृष्ठभूमि में कांग्रेस के 23 नेता, जिनमें से ज्यादातर ने पार्टी को 35 से 40 साल दिए हैं, जब ये कहते हैं कि पार्टी में संस्थागत नेतृत्व की शुरुआत होनी चाहिए, एक सामूहिक नेतृत्व की संकल्पना पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जनता की निगाह में और कार्यकर्ताओं के मनोबल के लिहाज से लंबे समय तक पार्टी नेतृत्व विहीन नहीं रहनी चाहिए, तब अचानक राहुल गांधी सामान्य कार्यकर्ताओं से एक डिफेक्टो नेता बन जाते हैं। अपनी उम्र के बराबर समय पार्टी को दे चुके नेताओं पर हमला बोलकर उन्हें बीजेपी का एजेंट घोषित कर देते हैं। दूसरों को समय समय पर लोकतंत्र की नसीहत देने वाले और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाने वाले, साथ ही मोदी को अक्सर घृणा और क्रोध छोड़कर प्रेम की भाषा बोलने की सलाह देने वाले राहुल गांधी अचानक अल्बर्ट पिंटो बन जाते हैं। आपने वो फिल्म तो देखी होगी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं रहती और गुलाम नबी आजाद पर हमला बोल देती हैं, पर हमला भी किस आधार पर कि लेटर अभी क्यों लिखा, आपकी मंशा ठीक नहीं है। अरे भाई, CWC की मीटिंग होने जा रही थी, अगर 23 नेता पत्र लिखकर ये चाहते हैं कि इस बार CWC में नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा हो तो दिक्कत क्या है। और फिर आप कौन होती हैं 23 नेताओं की मंशा पर सवाल उठाने वाली। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, उन्हें पार्टी के बारे में सोचने और चर्चा करने का हक क्यों नहीं है। आप भाई बहन तो पार्ट टाइम राजनीति में आते हैं, वर्षों की ना नूकर के बाद भी आप राजनीति में आई और आप तो राजनीति में आना भी नहीं चाहती थी। अभी जुम्मा आपको 2 साल कांग्रेस में आए हुए हुआ और आप उन पर सवाल उठा रही हैं जो आपकी तरह पार्ट टाइम नेता नहीं है। फिर आप भाई बहन होते कौन हैं पार्टी का भविष्य तय करने वाले? ये पार्टी आपकी जागीर है क्या? ये भारत की उन सभी लोगों की आशा की प्रतीक है जो एक मजबूत विपक्ष देखना चाहते हैं। ये आपके घरेलू झगड़े और टीवी धारावाहिक के लिए बनी पार्टी नहीं है। बहरहाल, इस पूरे एपिसोड से राहुल गांधी ने अपनी प्रतिष्ठा और अपनी छवि दोनों गवाई, जिसे पिछले कुछ दिनों से वे रिपेयर करते हुए दिखाई दे रहे थे। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वो अकेले ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ट्वीट और वीडियो डालकर बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक मजबूत संस्थागत नेतृत्व और ऊर्जावान पार्टी की जरूरत होगी। राष्ट्रीय पार्टियां रातों रात नहीं बनती, इसके लिए कांग्रेस पार्टी का कमजोर पड़ना बेहद दुखद है।